अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। सो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल, और व्लॉगिंग के लिए अपनी, और टाइम हो गया है डिनर का। सो आज मैं आप लोगों को कहाँ लेके जाऊँगी, चलते हैं आगे, मेरे साथ रहिएगा। और यहाँ पे जी ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर का ये दुपट्टा लिया हुआ है, ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है। आज की मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से है, दिखाती हूँ। तो ये है जी आज की मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से। तो चलते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेम्बो फास्ट फूड। सो आज आपके साथ फास्ट फूड शेयर करते हैं कि इनके पास कौन कौन सा ऐसा फास्ट फूड है। आपको दिखाती हूँ, इनकी यहाँ पे डील्स भी बड़ी लगी हुई हैं। चलते हैं अंदर। अच्छा, बेम्बू फास्ट फूड जो है जी, इसको तकरीबन 40 साल हो गए हैं, माशाल्लाह 40 ईयर से ये रावलपिंडी में जो है वो कायम और आबाद है, और माशाल्लाह आबाद करने वालों ने आबाद किया हुआ है कि देख के बंदा हैरान हो जाता है। कि जब शुरू में नए नए फास्ट फूड वगैरह चले थे तो उस टाइम उनमें से इसका जो नाम था वो मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लिस्ट था। रावलपिंडी का बहुत, यानी कि शुरू में जब फास्ट फूड्स वगैरह ओपन हुए थे तब से बैम्बू है, यानी कि 40 इयर्स हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो इनका मेन्यू है ये, इनकी बड़ी अच्छी अच्छी डील्स इस टाइम इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन सब इनकी डील्स हैं। और हम देखते हैं कि हमें इस टाइम क्या ऑर्डर करना है। ठीक है, मैं पहले अच्छी तरह देख लूँ। अच्छा, इनके यहाँ पे चाइनीज़ भी आपको मिलेगा, बर्गर्स वगैरह की डील तो है, साथ में चाइनीज़ भी है। मैं यहाँ पर चाइनीज़ जो है वो ऑर्डर करने लगी हूँ, और वहाँ पर इनके एग फ्राइड राइस के साथ में चिकन ड्राई चिली। स्पेशल आप बता दें जो आप लोग की स्पेशल, यानी कि यहाँ की गुड डिश जो खास कर लोग भी पसंद करते हैं। यहाँ पे बर्गर सिंगल भी मिल जाएंगे, डील में भी मिल जाएंगे, देखिएगा दो वर्जन में डील है। आप लोग फैमिली के साथ आके यहाँ पे आराम से फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे 2250 2250 पर है। यहाँ पे हमारा फूड जो है वो आ गया है जी बेम्बू रेस्टोरेंट का, और ये यहाँ पे चाइनीज़ राइस है, साथ में इनका चिकन, ये जो चिली ड्राई, बड़ा एक अलग सा इसका लग रही है शक्ल। ये आ गए यहाँ पे हनी विंग्स, और ये आ गए यहाँ पे इनके बर्गर्स, जो कि देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। जो इनके फ्रेंच फ्राइज़ बड़े मज़े के हैं।
टेस्टी है, जितना कहा जाए कम है। और जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक मैं ये हनी विंग चख के बता देती हूँ। हनी विंग जो है इन्होंने KFC को पीछे छोड़ दिया, बहुत मजे की। सीरियसली मैं ये बहुत खाऊंगी। अच्छा इसका तो यकीन करें जवाब नहीं है। अच्छा जहाँ पर खाने को छोड़ के आइसक्रीम की बात की जाए तो डिज़र्ट्स इनके पास काफ़ी थे, यानी कि आइसक्रीम हर फ्लेवर में मौजूद थी और इनके पास शेक्स बहुत ज़्यादा थे, जूसेस थे, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से आइसक्रीम इनको कही, इन्होंने बड़ी अच्छी आइसक्रीम बना के ब्लूबेरी डलवाई थी और मैंने स्ट्रॉबेरी और टूटी फ्रूटी और आई थिंक एक और थी यार, कौन सी थी, बहरहाल एनीवे इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की है, कहने की बात नहीं है लेकिन वाकई में है। और यहाँ पे मैं दोबारा भी जाऊँगी और लाजमी जाऊँगी। अच्छा जी यहाँ पे ये ना बैम्बू वालों का नया जो इनकी डील्स को लॉन्च हुई है, इसमें अगर आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम ऑर्डर करवाते हैं ना तो आपको ये 15% ऑफ मिलेगा। अच्छा यहाँ पे आ गई जी जो मैंने मिक्स आइसक्रीम, ये अब मैं खा के बताती हूँ। डेकोरेशन तो इतनी मज़े की हुई हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये सबसे ऊपर मेरे ख्याल से इन्होंने ब्लूबेरी डाली है और मिक्स है पिस्ताशियो स्ट्रॉबेरी। यकीन करें कि तारीफ़ की बात नहीं है, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन आप यकीन करें कि बहुत मज़े में टेस्ट है। ज़रूर आए, नॉन प्रमोशन वीडियो है, ज़रूर आए। अच्छा जी खाने का रिव्यू मैंने आपको साथ साथ ही दे दिया था कि इनका खाना बहुत अच्छा है। रावलपिंडी के लोगों आप लोग तो फौरन पहुंच जाओ और जो बाकी लोग हैं वो जब कभी पिंडी का चक्कर लगाएं तो यहाँ बैम्बू ज़रूर आए और यहाँ के फास्ट फूड का मज़ा लें, क्योंकि इनके जो हनी विंग्स थे वो तो आला थे। बाकी जो इनका चाइनीज़ है वो भी ज़बरदस्त है, यानी कि एवरी थिंग जो कुछ मैंने ऑर्डर किया सब कुछ ज़बरदस्त। तो ऐसा करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।